मोबाइल स्क्रीन पे आ दोस्तों, अगर आप जाऊंगा लोग ऐसा थंबनेल बना सकते बनाना चाहते हैं और अपने यूट्यूब पर लगाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। देखिए थंबनेल फुल HD है, आप देख सकते हैं। कितना भी जूम करेंगे थंबनेल आपका जो है फटेगा नहीं, ठीक है गाइस। तो ऐसा थंबनेल बनाना चाहते हैं, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें गाइस। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर स्वागत है हमारे आल टेक्निक वीडियो चैनल में। तो आज की वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को थंबनेल कैसे बनाते हैं अपने मोबाइल फोन से, ठीक है। और वो भी पिक्सआर्ट ऐप के द्वारा। जनरली लोग पिक्सआर्ट को यूज करते हैं अपने फोटो बनाने के लिए, ज़्यादातर बहुत सारी एडिटिंग करते हैं फोटो बनाने के लिए, लेकिन थंबनेल बनाने के लिए बहुत कम लोग यूज करते हैं, क्योंकि उससे बहुत सारे लोगों को बनाना आता नहीं गाइस। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा उससे थंबनेल एक अट्रैक्टिव 3D थंबनेल और HD में फुल HD में कैसे बनाया जाए अपने मोबाइल फ़ोन से, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना है, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर भी करना साथ में, ठीक है। अच्छा लगे वीडियो तो गाइस, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि थंबनेल कैसे बनाया जाता है, ठीक है, पिक्सआर्ट ऐप के द्वारा, और यूट्यूब पे कैसे लगाते हैं वो आप लोगों को तो पता ही होगा, नहीं पता वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता ही है, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ होता है कि थंबनेल बनाना नहीं आता लोगों को। नए नए यूट्यूबर हैं जो उनको थंबनेल बनाते हैं, कुछ भी बना के वीडियो डाल देते हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या है, थंबनेल नहीं होता है वीडियो के अंदर। जब भी वीडियो कोई देखेगा वॉच करेगा तो थंबनेल देख के ही वॉच करता है गाइस, ठीक है। तो अगर आपका थंबनेल अट्रैक्टिव रहेगा तो वीडियो आपका अच्छा जो है वॉच जाएगा, ठीक है। वॉच टाइम भी अच्छा रहेगा और लोग ज़्यादा व्यूज आएंगे, लोग देखेंगे भी उसको, क्योंकि मेन चीज़ थंबनेल ही होती है हर एक वीडियो में। आप देख लीजिए बड़े बड़े यूट्यूबर के थंबनेल कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं, आपने देखे होंगे। क्योंकि थंबनेल से क्या होता है कि जब थंबनेल लोगों की नज़र पे जाता है तो वीडियो को ओपन करके वो जरूर देखता है, ठीक है, चाहे वीडियो अच्छा हो या ना हो, लेकिन मेन चीज़ थंबनेल है गाइस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन में, आपको बताते हैं कैसे बनाते हैं थंबनेल। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ अपनी मोबाइल स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं कि जो है मोबाइल स्क्रीन पर मैं आ चुका हूँ और मैं खोलूँगा अपना ऐप पिक्सआर्ट और पिक्सआर्ट से बनाएंगे हम लोग थंबनेल गाइस। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि पिक्सआर्ट से थंबनेल कैसे बनता है, ठीक है गाइस। आप लोगों ने आज तक तो बहुत देखी होगी मोबाइल पे एडिटिंग करते हैं पिक्सआर्ट को ऐप से फ़ोटो बनाते हैं और फ़ोटो ही मतलब एडिटिंग करते हैं, कुछ भी मतलब जो भी हो इस पर फ़ोटो ज़्यादातर लोग एडिटिंग करते हैं, उसी के लिए यूज करते हैं, उसी पर्पज़ के लिए केवल यूज करते हैं। बहुत सारे कम लोग जानते हैं मतलब इस पर थंबनेल भी बनाया जा सकता है। ज़्यादातर लोग प्ले स्टोर से थंबनेल मतलब ऐप डाउनलोड करते हैं, उस पर थंबनेल बनाते हैं, लेकिन उतना अच्छा नहीं बनता। बड़े बड़े यूट्यूबर कभी भी जो है थंबनेल ऐप से ऐप मेकर से कभी भी थंबनेल नहीं बनाते गाइस। तो देखिए आप, जैसे कि मैं थंबनेल मैंने खोल लिया है पिक्सआर्ट और सिंपल से प्लस पे क्लिक कर दिया है। प्लस पे क्लिक करेंगे गाइस, उसके बाद आप कोई भी बैकग्राउंड चूज कर लेंगे अपने गैलरी में से, और अगर आपकी गैलरी में बैकग्राउंड नहीं है कोई अच्छा डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अगर नहीं तो आप कलर भी कोई भी चूज कर सकते हैं, जैसा आपको मतलब जैसा आप अपने पर्पज़ से बनाना चाहेंगे, ठीक हो, तो आप अपने हिसाब से बैकग्राउंड लेंगे। मैं यहाँ पे येलो बैकग्राउंड ले लेता हूँ गाइस। येलो बैकग्राउंड लेने के बाद मैं आप सिंपली से क्रॉप के ऑप्शन जाऊंगा, यहाँ पे क्रॉप करूंगा, ठीक है। तो क्रॉप करूंगा, तो क्रॉप करने के बाद आपको सामने नीचे देखिए दिखेगा यूट्यूब, लास्ट में आएंगे तो थोड़ा तो यूट्यूब दिखेगा, वहाँ यूट्यूब सेलेक्ट कर लीजिए। वहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यूट्यूब का जो साइज़ होता है वो आ जाएगा, ठीक है। यूट्यूब के साइज आने के बाद अब यहाँ पर मैं टेक्स्ट पर जाऊँगा, सिंपली टेक्स्ट में मैं लिखूँगा मेक HD थंबनेल, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखने वाला हूँ मेक HD थंबनेल। तो इसको मैं लिखने के बाद थोड़ा इसको सेट करूँगा, ठीक है। उसको सेट करना अपने हिसाब से आप जो है सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो आपको फॉन्ट लेने हैं वो मैं बता दे रहा हूँ, जो कलर लेने हैं और जो मतलब जो इसके अंदर जितनी कैटेगरीज हैं वो कैसे कैसे किस किस चीज़ में कौन कौन इस्तेमाल होती हैं, स्ट्रोक्ड है, हाईलाइट है, ठीक है, और स्पेसिंग है, काफ़ी मतलब जो चीज़ है आपको बता दे रहा हूँ सिंपली से। जो आपको ये दिख रहा है कौन सा ये गोल गोल, इसको थोड़ा खींचेंगे तो ये आपका जो है जो लिखा हुआ होगा वो अपने आप साइज में जैसे चाहे लंबाई में करना चाहें आप, चाहे खड़े में करना चाहें, ये अपने आप जो है साइज चेंज कर देता है, ठीक है। यहाँ सिंपली से मैं इसको लंबे लंबे में रखूँगा, ठीक है, ताकि ये ऊपर सही से सेट हो सके, ताकि देखने में एक अच्छा लगे लोगों का, ठीक है। तो अब सिंपली से मैं इसको जो है कलर से ऐसा ही रखूँगा, इसको थोड़ा सा मैं जो इस कलर को थोड़ा और डिफरेंट बनाऊँगा, इसके फॉन्ट को भी थोड़ा सा डिफरेंट बनाऊँगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ फॉन्ट पे सिंपली से क्लिक कर सकते हैं और जो है आप इसमें हाईलाइट भी लगा सकते हैं, लेकिन हाईलाइट कुछ अच्छा नहीं दिखेगा गाइस, ठीक है। सिंपल से गाइस हाईलाइट थोड़ा अच्छा नहीं दिखेगा। इसमें कलर आप चूज कर सकते हैं, कलर कोई भी लगा सकते हैं, कलर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे वो हिसाब से आप कलर को रख सकते हैं। उसके बाद आप इसमें गाइस एक बात है, अगर आप हिंदी में बनाना चाहते हैं हिंदी में बना सकते हैं। देखिए अभी मैं हिंदी में भी इसमें टाइपिंग करूँगा आगे चल के, ठीक। अभी देखिए मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ, तो इंग्लिश में लिख रहा हूँ मैं एक HD थंबनेल, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉन्ट मुझे जो अच्छा लगेगा इस पर, जो एकदम मतलब हाईलाइट दिखेगा, जो दूर से ही बंदे को दिख जाए कि ये अच्छा
मतलब थंबनेल देख के ही वीडियो ज़्यादा देखा जाता है गाइस, ठीक है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ पहले भी, तो मैं यहाँ पे ये अच्छा लग रहा है गाइस, तो इसी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसी को सिलेक्ट कर लिया है, और इस पर इसको थोड़ा मैं इसको हाईलाइट करूँगा, और प्लस इसको शैडो भी इस पर डालूँगा, ठीक है। इसको हाईलाइट करने की वैसे ज़रूरत है नहीं, लेकिन इसको शैडो भी डाल देंगे तब भी अच्छा दिखेगा, ठीक है। इस पर थोड़ी सी शैडो जो है लगाएंगे हम, जिससे थोड़ा अच्छा दिखे थ्री टाइप में, ठीक है। तो आप इसमें ब्लैक शैडो डाल सकते हैं, अच्छा दिखेगा, ठीक है। और हर कलर पे अलग अलग शैडो डलती है गाइस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, हर एक शैडो पे अलग अलग कलर डलेगा। आप यहाँ पे ब्लैक शैडो डाल सकते हैं, और वाइट शैडो, मतलब कोई भी शैडो डाल सकते हैं, लेकिन कलर के अपोजिट हमेशा शैडो डालिए। जैसे अगर आपका लाल है तो इसमें मैंने ब्लैक शैडो डाली है, ठीक है। अगर सफ़ेद होता तब भी आपसे ब्लैक डाल सकते हैं, फिर लाल डाल सकते हैं, लाल शैडो अच्छी नहीं लगती, ठीक है। तो आप अपने अलग अलग हिसाब से शैडो उसमें जो है लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ, देखिए अपने मोबाइल फ़ोन से मैं हिंदी में आप टाइपिंग करने जा रहा हूँ। देखिए हिंदी को भी आप अच्छा सा अट्रैक्टिव देखने लायक बना सकते हैं। अगर आप हिंदी का जो है थंबनेल बनाते हैं, हिंदी में ज़्यादातर यूज करते हैं, तो हिंदी का भी आप देख लीजिए मैं कैसे लिखता हूँ, ठीक है। आप देखते जाइए, आप देखते ही देखते सीख जाएंगे, वीडियो देखते देखते मैं बता रहा हूँ आज पूरा थंबनेल बनाना लोग सीख जाएंगे। कोई भी थंबनेल हो आप चुटकियों के अंदर बना सकते हैं गाइस, ठीक है। बनाने में कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना होगा, थोड़ा देखना होगा ध्यान से, आप थंबनेल को बढ़िया से तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी फॉन्ट को देखो, जैसे कि मैं फॉन्ट इसमें देख रहा हूँ, फॉन्ट अपने हिसाब से फॉन्ट देखते चले जाओ। देखिए जो बोल्ड फॉन्ट होता है ना गाइस, बोल्ड का मतलब थोड़ा मोटा सा दिखा, ठीक है, अच्छा सा दिखे, वो आपको लगाना है इसमें थोड़ा। देखिए मैं जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ हर एक टाइप के, इटैलिक, बोल्ड, जो मुझे अच्छा दिखेगा। जैसे कि मुझे थोड़ा चाहिए मोटापन, मतलब थोड़ा सा बोल्ड हो जाए ताकि लोग बाग अच्छे से देख सकें। अभी ये पतला सा है, ठीक है। तो अभी मैं फॉन्ट सारे ट्राई कर रहा हूँ, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए अभी ऑटोमेटिक ये बोल्ड पे आ जाएगा, ये सारे फॉन्ट में चेक करके देखूँगा किस पे बोल्ड होता है, जिस पे हो जाएगा मैं उसी को सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, उसी फॉन्ट को सिलेक्ट कर लूँगा हिंदी के लिए, क्योंकि इसमें कुर्ती देव नहीं होता गाइस, कंप्यूटर में कुर्ती देव यूज होता है, उस पर तो थंबनेल बनाना आसान है, लेकिन मोबाइल पर थोड़ा आसान है, इस पर भी है, इस पर और भी ज़्यादा आसान है, इस पर ईजिली समझ में आ जाता है। कंप्यूटर चलाना तो हर किसी को नहीं आता, लेकिन मोबाइल चलाना हर किसी बंदे को आता है, ठीक है। तो देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया फ़ॉन्ट, आपको दिख रहा होगा पहले से ये मोटा, ठीक है। अब इसको मैं शैडो डालता हूँ, देखिए अच्छा सा दिख रहा होगा आपको, इसकी मतलब जो साफ इसमें सफाई थोड़ी दिख रही होगी आपको थोड़ा, ठीक है, आपको धुंधलापन नहीं दिखाई देगा, ठीक है, एकदम अच्छा दिखाई देगा, ठीक है। ये देखते हैं, अब मैंने शैडो भी लगा दिया, शैडो को आप ब्लर कर सकते हैं, कम ज़्यादा कैपेसिटी करते हैं सकर से। इसके बाद स्टॉक लगाने हैं, ब्लैक स्टॉक डाल देते हैं, मतलब स्टॉक मतलब गाइस ये होता है कि जो आपने लिख रखा है उसके जो अपने जैसे कि मोबाइल फ़ोन से मैं लिख रखा है उसके किनारे की जो होती है ना किनारे, उसको मतलब कोई भी कलर डाल सकते हैं, उसको स्टॉक बोलते हैं, पतली पतली लाइन से आ जाती है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने ये डाल दिया, अब देखिए बनाए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं देख ले रहा हूँ कैसा सूट कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है, नहीं तो मैं चेंज भी कर दूँगा इसको। अगर जो चीज़ आपको अच्छी लगे वो चीज़ लगाओ, उस पर ज़रूरी नहीं है कि मैं कोई भी चीज़ डाल दूँ, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ ये चीज़ अच्छी लग रही है, वैसे मेक एच डी थंबनेल बनाए मुझे तो नहीं लग रहा। देखिए मेक एच डी थंबनेल तो हो ही गया, मेक मिस बनाना हो गया, तो बनाना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी यार आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं टेक्स्ट में जाऊँगा, मैं कुछ और ही ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो मैं कुछ और लिखता हूँ यहाँ पे, आप दिखाता हूँ मैं आप क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ, देखिए जो आप कुछ भी लिख सकते हैं, मेरी तरह मत सोचिए आप कुछ भी इसमें लिख रहे हैं, ठीक है। मैं अपने थंबनेल के हिसाब से लिख रहा हूँ, आप अपने थंबनेल के हिसाब से लिखिए बस। लेकिन जो चीज़ मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें जो कैटेगरी की चीज़ यूज कर रहा हूँ, स्टॉक है, शैडो है, जो फॉन्ट है, वो आप चूज करिए ताकि अच्छा लग सके, ठीक है। लिखने का क्या है कि लिखने का आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो मैंने जैसे कि आप लिख दिया अपने YouTube पर थंबनेल कैसे लगाएं, ठीक है। तो सिंपली से आप देख सकते हैं, अब मैं उस हिसाब से लिख रहा हूँ, ठीक है, थंबनेल कैसे लगाएं, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको पता बड़ा तो कर दिया, आपको दिख रहा होगा एक चीज़ गाइस कि इसमें आपको जो अक्षर हैं वर्ड है मेरे थोड़े चिपके हुए हैं। तो यहाँ पे सिंपली स्पेसिंग पे आ जाएंगे आप, वहाँ पे थोड़ा सा नीचे वाली लाइन को हल्का सा बढ़ाएंगे तो ये इस पे जो चिपका हुआ लिखा हुआ है आपस में जॉइंट है तो वो दूर दूर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आप जो है इसमें कलर डाल सकते हैं कोई भी जो कलर आपको अच्छा लगे, जैसा कि मैं कलर डाल रहा हूँ, आप देखते जाइए, देखिए, ठीक है। तो इसमें कोई भी कलर आप भी डाल सकते हैं, देखिए मैंने कलर डाल दिया, ठीक है, ब्लैक।
देखिए तो देखिए जो कलर आप बैकग्राउंड जो लगाते हैं उसके अपोजिट कलर लगाइए, क्योंकि अगर आपने वाई सेम कलर लगा दिया तो देखेगा नहीं, समझ में नहीं आएगा। कुछ ऐसा कलर लगाइए जिससे कि दिखे, ठीक है गाइस, समझ में आए लोगों को जो है कि थंबनेल मतलब एकदम एक एक चीज़ एक एक राइटिंग दिखनी चाहिए। अगर नहीं दिखी तो बंदा आपका कुछ वीडियो भी नहीं देखेगा, कुछ भी कमेंट करके चला जाएगा। देखिए मैं आप देख सकते हो मैंने इस पर शेडो भी लगा दी और इस पर स्ट्रोक भी डाल दिया है, ठीक है। तो इसके बाद आप इसमें फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, वैसे तो ये ठीक है बट आप इसमें कोई भी फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, उससे थोड़ा क्या होता है कि अच्छा दिखने लगता है, ठीक है। इस तो यहाँ पे सिंपली से मैंने गलत कर दिया था, थोड़ा बी बनानी थी वो बी बना लेता हूँ थंबनेल, ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया था गाइस, मैं इसको थोड़ा जो है सही कर लेता हूँ। अब सही है, अभी सही दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा मैंने जो स्पेलिंग गलत कर दी थी। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ भी थोड़ा ज़्यादा काला काला है, इसको थोड़ा सही करना पड़ेगा हल्का सा, ठीक है गाइस। और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, आपको दिखा देता हूँ मैं जूम करके सिंपल से इसको जूम थोड़ा करना पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है गाइस। यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ थोड़ा मैंने स्ट्रोक ज़्यादा दिखा दिया, ठीक है। ये थोड़ा मतलब छोटा जो है वो हो गया ना, एक तरह का अगर कंप्यूटर पर दिखाते हैं साफ साफ समझ में आता है, ये थोड़ी छोटी स्क्रीन है तो थोड़ा ये आपको कालापन दिख रहा होगा गाइस, ठीक है ज़्यादा, लेकिन ये असलियत में कालापन नहीं है। आपने शुरू में वीडियो में देखा होगा ये चीज़ वो नहीं है, ठीक है। तो ये छोटा सा मतलब वो है स्क्रीन, इसलिए आपको थोड़ा सा कालापन ज़्यादा दिख रहा होगा इसमें, ठीक है, लेकिन उतना है नहीं जितना इसमें थोड़ा दिख रहा है, ठीक है गाइस। इसको अभी मैं अगर जूम करूँ तो आपको वो चीज़ नहीं दिखेगी, लेकिन मैं आपको जूम करके लास्ट में ये चीज़ दिखाऊंगा गाइस, ठीक है। इसमें ज़्यादा दिख रही है लेकिन उसमें कम समझ में आएगी आपको, ठीक है। तो सिंपली से आप कुछ भी और लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है फोर न्यू ट्यूबर, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब लिखने के बाद यहाँ पर सिंपली से फॉन्ट लगा देता हूँ, कोई भी फॉन्ट जो अच्छा लगे, पतला सा मतलब जो दिखे भी, और मतलब उतना उस पर फोकस कम जाए और थंबनेल पे ज़्यादा जाए, ठीक है। तो चीज़ थोड़ी मैं लगा देता हूँ ताकि अच्छा सा दिख सके, तो मैं लगाना जा रहा हूँ, ठीक है। और इस पर मुझे हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको वैसे भी ऐसे ही कर सकते हैं, क्योंकि देखिए वीडियो में आने के बाद तो ये थंबनेल हो ही जाएगा, ऑटोमेटिक दिख ही जाएगा सबको, ठीक है। क्योंकि थोड़ा जब वीडियो में आ जाता है तो काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो ठीक है। जब एडिटिंग करते हैं हम लोग बनाते हैं वीडियो, तो आप भी लोग बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है मोबाइल से अगर बनाते हैं तो उसकी छोटी स्क्रीन होती है, उसकी रीज़न ये है कि उसमें फिर कम समझ में आता है, ठीक है। लेकिन जब लग जाता है कोई चीज़ थंबनेल लग जाता है फिर वो पूरा दिखाई देता है, समझ में आता है। देखिए आप सब कुछ सेट हो चुका है गाइस, ठीक है, सिंपली आप देख सकते हैं सब कुछ सेट मैंने कर दिया एक एक चीज़। इसके बाद आपको मैं आप जूम करके दिखाऊंगा, ठीक है, कैसा बना कैसा नहीं बना, ठीक है। तो सिंपली से इसी तरीके से आप थंबनेल को बना सकते हैं, और किसी भी मतलब जो है ऐप से मतलब नहीं बना बन पाए, बन तो जाएगा गाइस, लेकिन ऐसा नहीं बन पाए, ठीक है, कि मतलब आप पिक्स आर्ट ऐप जो मैं लिख देता हूँ सिंपली से ताकि लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। एक और चीज़ लिख देता हूँ, उसके बाद इसको मैं सेव करूँगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ पिक्स आर्ट, और थोड़ी पिक्स आर्ट की इस पर इमेज फ़ोटो लगा देंगे, ठीक है, वो भी लगा देता हूँ ताकि अच्छा सा दिख सके, ठीक है। फ़ोटो भी लगा देता हूँ, बढ़िया सा दिखेगा एक अच्छा सा, तो सिंपली से ठीक है। और यहाँ पे मैं पिक्स आर्ट का लोगो लगा दूँगा ताकि लोग जान सकें कि पिक्स आर्ट से भी थंबनेल बन तो जाते, जानते तो सारे लोग हैं कि बन जाता होगा, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं, उनको भी पता चल जाएगा कि पिक्स आर्ट से थंबनेल बढ़िया बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ सिंपली से मैं यहाँ पे देखिए स्क्रीन शॉट लेता हूँ, स्क्रीन शॉट लेने के बाद मैं क्या करूँगा कि इसका जो लोगो है पिक्स आर्ट का वो मैं लोगो जो है क्रॉप कर लूँगा, वो लोगों वहाँ मुझे लगाना है, ठीक है। वो लोगों आप लगा सकते हैं, आप ऐसे ही देखिए, आपको मैंने ये चीज़ बता दी, आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा आप। देखिए वीडियो क्या होता है कि और गहराई में जाएगा तो वीडियो एक घंटे का हो जाएगा, अगर एक एक चीज़ समझाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर स्क्रीन शॉट ले लिया था, तो मैं इसको मैंने कहा यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया था, तो यहाँ पे इसको क्रॉप कर लेता हूँ, क्रॉप करके लगा देता हूँ मैं उसी थंबनेल पे, ठीक है। तो वहाँ पे लोगों को पता चल जाएगा कि ये पिक्स आर्ट से बना हुआ है, ठीक है। सिंपली से मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ पूरा, और यहाँ पे जो है पिक्स उस पर थंबनेल पे जाके मैं सेट कर देता हूँ, ठीक है। आपको सिंपली से ऐसे ही करना है आपको, लेकिन आप देखिए मेरी तरह से बनाएंगे नहीं थंबनेल, आप अलग बनाएंगे, लेकिन ठीक है। लेकिन जो मैंने इसमें बताया आपको, जो इसमें बताया कैटेगरी कौन सी लगानी है, कैसा कलर लगाना है, तो ये कलर हमेशा मैंने फिर भी बताया अपोजिट लगाना है, ठीक है। इसमें आप अपनी फ़ोटो भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप अपनी फ़ोटो खींचिए अच्छी से और उसको HD में बनाइए, वो फ़ोटो इसी से बना सकते हैं HD में। उसके बाद वो फ़ोटो को जो देखिए फ़ोटो हमेशा
आपको देखिए फोटो में कोई बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए तभी से फोटो सेट होगी, ठीक है। तो फोटो में कोई बैकग्राउंड नहीं होनी चाहिए तभी आपको फोटो इसे सेट होगी, तभी अच्छी दिखेगी, ठीक है। सिंपली देखिए मैंने पिक्सआर्ट का लोगो भी लगा दिया, सिंपली अब मेरा थंबनेल तैयार है, ठीक है। थंबनेल अपना हो गया तैयार, अब सिंपली से मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है गाइस। मैंने जूम करके दिखा दिया है, ऐसे ही दिखता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा है। मिलते हैं एक और नई वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद।